श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर अन्यतम पार्षद थे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो हम जानते हैं कि आज से कुछ 500 साल पहले आए। तो महाप्रभु जब आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो एक अलग ही पूरा का फ्लड लेके आए कृष्ण प्रेम का। कृष्ण प्रेम का जो बन्ना बोलते हैं या फिर बाढ़, कृष्ण प्रेम की बाढ़ को लेके आए। उस बाढ़ में सभी लोग सबको उन्होंने डुबा दिया और उस बन्ना को जिसको बांग्ला में बन्ना बोलते हैं, उस बन्ने को और भी ज्यादा ना इंटेंसिफाई करने के लिए उनके पार्षद जन भी आए जो और भी ज्यादा उनको मतलब खोल के। महाप्रभु कभी होता था कि बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को अपनी कृष्ण भक्ति में देते थे, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक, लेकिन नित्यानंद प्रभु समूह के लिए उन्होंने खोल दिया। तो हम लोग जानते हैं कुछ दिन पहले से नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस था, नित्यानंद त्रयोदशी है ना। तो नित्यानंद त्रयोदशी था कुछ दिन, 2 दिन पहले। आज पंचदशी है, मतलब पूर्णिमा है, और 2 दिन पहले नित्यानंद त्रयोदशी था। तो आज है श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही स्पेसिफिक भक्तों को इम्पावर किया उस कृष्ण प्रेम को बांटने की जो परंपरा महाप्रभु ने चलाया उसको जारी रखने के लिए। उनमें से बहुत ही अन्यतम और बहुत ही प्रमुख आते हैं और उनका नाम है श्री नरोत्तम दास ठाकुर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तो नवद्वीप में उनके बाल लीलाओं में एक बहुत ही घनिष्ठ भक्त थे और उनके घनिष्ठ पार्षद, जिनका नाम था श्री लोकनाथ गोस्वामी। और लोकनाथ गोस्वामी को जब महाप्रभु नवद्वीप में ही थे तो वो उनको पता था कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग आते हैं इस संसार में तो हम लोग कभी भी अपने प्लान से नहीं चल पाते हैं। प्लान बनाते हैं कुछ, लेकिन हमारा जो प्लान होता है वो हमारा अपना प्लान है और बाद में इतना छोड़ के रखते हैं कि ऊपर वाला कहाँ तो रहेगा ही, वो जो करेगा वही होगा। अल्टीमेटली हम प्लान बनाते हैं, बोलते हैं ना, इफ प्लानिंग टू फेल देन वी आर फेलिंग टू, आई मीन वी आर फेलिंग टू प्लान देन वी आर प्लानिंग टू फेल। लेकिन भगवान जब आते हैं, कृष्ण जब आते हैं, उनका पूरा प्लान वो यहाँ पे आके नहीं बनाते, बल्कि वो पहले से ही प्लान बना के वेदों में दे के रखे हैं। तो वेद में ऐसे प्लान बना के रख दिया गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, इन सारी लीलाओं को वो क्या करेंगे, यहाँ पे धारण करेंगे। तो वेदेर प्रतिज्ञा रखी बारे तारे रुक्म वर्ण विप्रशुत महाप्रभु नामे नदिया माता है संगे भाई अवधूत। तो वेद की प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए कौन आए, श्री चैतन्य महाप्रभु आए। वेदेर प्रतिज्ञा रखी बारे तारे विप्र रुक्म वर्ण विप्रशुत, रुक्म वर्ण मतलब स्वर्ण वर्ण में विप्र के पुत्र के रूप में आए थे। कृष्ण आए थे एक ग्वाले के पुत्र के रूप में, लेकिन वही कृष्ण फिर से आते हैं विप्र के पुत्र के रूप में, मतलब कि ब्राह्मण के पुत्र के रूप में। रुक्म वर्ण उनका जो कलर है पूरा स्वर्णिंग, क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन उनका। और महाप्रभु नामे नदिया माथाया संगे भाई अवधूत, और उनके साथ में उनका भाई है, बड़े भैया, उनका नाम है अवधूत। ये कौन है अवधूत? श्री नित्यानंद प्रभु को अवधूत बोला गया है। तो ये दोनों ने मिलके तो पूरा फ्लड कर दिया पूरा। जब महाप्रभु गए उधर साउथ इंडिया, उसके बाद महाप्रभु के जाने के बाद महाप्रभु ने बोला नित्यानंद प्रभु को, निताई हम लोग तो बंगाल छोड़ के आ गए, मेरे साथ सब लोग आ गए, बंगाल में कैसे होगा हरिनाम का प्रचार और कृष्ण प्रेम का वितरण, तुम जाओ। तो नित्यानंद प्रभु अपने कुछ भक्तों को लेके वो निकले किधर, बंगाल की तरफ। बंगाल में आके पूरा उन्हें फ्लड कर दिया। और एक बार की बात है, अद्वैत आचार्य से पूछा गया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अद्वैत आचार्य मार्केट में क्या चल रहा है, क्या भाव है, अभी क्या है मार्केट का स्थिति बताओ। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि महाप्रभु मार्केट फुल हो गया, मार्केट इज सैचुरेटेड नाउ, हमने जितना सामान लाया था कृष्ण प्रेम का, जो खजाना लाया था, सब
सब मिला दिया, मतलब कि सब बांट दिया है, सब लोग पागल हो गए और कोई ज्यादा बिक नहीं रहा सामान। तो ऐसा बोला तो सब भक्तों को लगा कि अरे महाप्रभु का तो यही पास, यही तो इनका मतलब मिशन था, अब तो मार्केट सैचुरेटेड हो गया तो महाप्रभु चले जाएंगे। कुछ कुछ लोग खुश भी थे, कुछ लोग दुखी भी थे, लेकिन महाप्रभु के जाने के बाद महाप्रभु ने आश्वस्त किया कि चिंता मत कीजिए, मेरे जाने के बाद मैं कुछ लोगों को भेजूंगा जो कि इस कृष्ण प्रेम का जो बाढ़ है इसको और भी ज्यादा और प्रसारित प्रचारित करते रहेंगे। उनमें से एक होगा, वो होगा नरोत्तम। क्या सब भक्तों को, नरोत्तम वो कब आएगा महाप्रभु? वो आएंगे। तो इस तरीके से जब श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार पुरी से वृंदावन जा रहे थे, तो वृंदावन के रास्ते में ही एक जगह है राम केली में श्री रूप सनातन से मिलने के लिए जा रहे थे, तो गंगा नदी के पास जाके नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, नित्यानंद आप देख रहे हो ना, ये जो उसको कनेक्ट कर दीजिए, ये जो पद्मा नदी है ना, ये नदी जो है, इस नदी के किनारे मेरे एक महान भक्त का उदय होगा जिसका नाम होगा नरोत्तम, और वहां पे वो जाके बहुत जोर जोर से चित्कार करके वहां पे वो चिल्लाने लगे और श्री नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाने लगे। सब लोग चकित हो गए कि ये किनके बारे में बोले, हे नरोत्तम, हे नरोत्तम, जैसे आज के लेक्चर का टाइटल है ओ नरोत्तम, ओ नरोत्तम। तो ठीक है, छोड़ दीजिए, ओ नरोत्तम करके वो वहां पे जोर जोर से इस तरीके से पुकारने लगे। तो सबको लगा यहाँ पे तो कोई नरोत्तम नाम कोई आदमी नहीं है, तो किनके बारे में महाप्रभु इस तरीके से जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? तो बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के पूरे हृदय में, पूरे शरीर में सारे ऐसे विकार दिख रहे थे कि अक्सर नहीं दिखे जाते थे उस समय। तो नित्यानंद ने पूछा कि कौन है, तो बताइए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मेरा एक बहुत ही घनिष्ठ भक्त वो आएंगे और यहाँ पे कृष्ण प्रेम का वितरण करेंगे, वो कृष्ण प्रेम का एक व्यक्तिगत स्वरूप होंगे। तो इस तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में पहले से ही बता दिया उनको, अपने सभी भक्तों को वहां पे, और उसके बाद बताया कि यहाँ पे मैं, ये जो नदी है उसका नाम है पद्मा, गंगा का ईस्ट बंगाल में या फिर बांग्लादेश में नाम हो जाता है पद्मा नदी, तो मैं इस जगह पे पद्मा नदी में मैं कृष्ण प्रेम को यहाँ पे स्थापित करता हूँ, और मैं पद्मा नदी को मैं आज्ञा देता हूँ कि उस कृष्ण प्रेम का जो वो धन है उसको मेरे प्रिय नरोत्तम को दें जब वो आएगा। तो इस तरीके से वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी में स्नान किया और पद्मा नदी को, मतलब जो पद्मा का जो पर्सनिफाइड रूप है, व्यक्तिगत स्वरूप, उनको उन्होंने आज्ञा दिया कि पद्मा, मेरा एक बहुत ही घनिष्ठ भक्त एक दिन आएगा और तुमको ये जो कृष्ण प्रेम मैं तुम्हारे पानी में, तुम्हारे नदी में डाल रहा हूं ना, इसे तुमको मेरे उस भक्त को देना है। तो उसके बाद पद्मा नदी तो पूर्ण स्वयं स्वरूप में थी वहां पे, उन्होंने पूछा कि महाप्रभु मैं कैसे उसको पहचानूंगी कि यही आपका भक्त है? तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे स्नान कर रहे थे कृष्ण प्रेम में, तो उनके कृष्ण प्रेम का जो अंदर का जो लहर है वो लहर बाहर में भी पद्मा नदी के पानी में आ रहा था, और पानी का जैसे बहाव ऐसा हो रहा था जैसे समुद्र में होता है, बार बार वेव्स आते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको लहरें आती हैं, तो वैसे ही लहरें पद्मा नदी में भी आ रही थी। तो महाप्रभु ने बताया कि जैसा अभी लहर आ रहा है ना तुम्हारे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पानी में, वैसा ही लहर आएगा जब वो तुम्हारे तुमको स्पर्श करेगा। तो इस तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले से बता के रख दिया अपने पार्षदों की, नरोत्तम एक दिन आएंगे, नरोत्तम सब पता नहीं है, ठीक है कोई नरोत्तम होंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जितने भी पार्षदगण होते हैं वो हम लोग के जैसे नहीं आते, हम लोग क्या बस टपक जाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा हुई, वैष्णव की कृपा हुई, तो भगवान के भक्तों का संग होता है तो भगवान की भक्ति करने का चांस मिलता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे महान भक्त वो उनके अपने प्री प्लान के द्वारा आते हैं, वो मटीरियल नेचर के द्वारा या फिर अपने कर्म के बंधन के में फंस के नहीं आते जैसे हम लोग आते हैं। हम लोग इस शरीर में इसलिए हैं
किसी का काला शरीर है, किसी का गोरा शरीर है, किसी का टेढ़ा शरीर है, किसी का मोटा शरीर है, किसी का पतला है, तो सबको अपने अपने कर्म के अनुसार ऐसे ऐसे शरीर को लेके हम लोग यहाँ पे अपना ये कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं, अपने अपना स्कोर बना रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं कब तक विकेट पे रहेंगे, तब तक स्कोर बनाते रहेंगे और उस स्कोर के अनुसार फिर से अगला जन्म लेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य पार्षद हैं, ये सारे नित्य पार्षद सभी गोलोक वृंदावन से महाप्रभु की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं और वो प्री प्लान्ड आते हैं। उनका ऐसा नहीं होता कि अरे आगे अब क्या करना है, नहीं। इसलिए बोला गया है कि गौरांगेर संगी गने नित्य सिद्धा करी माने, जो कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महापुरुष के जितने भी पार्षद गण हैं उनको नित्य सिद्ध के रूप में मानते हैं, नित्य सिद्ध करी माने, उनको बोला गया है कि वो श्री वृंदावन धाम में जाने लायक हो सकते हैं। वही नित्य सिद्ध करी माने तार होए ब्रज भूमि वास। तो इसी तरीके का एक श्लोक है। तो वही श्री राधा कृष्ण की जो लीला है उसमें वो प्रविष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे थे श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जिनका आविर्भाव हुआ था 1534 AD। जिस साल श्री चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव हुआ उसी साल श्री चैतन्य नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ है। तो महाप्रभु इधर से गए, एक चांद गया और दूसरा चांद उधर, जैसे अभी देख रहे होंगे आप लोग पूर्व की दिशा में पूर्ण चंद्रिका अभी का उदय हो रहा है, वैसे ही श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आज के ही दिन पूर्णिमा की दिन, आज के ही दिन उनका क्या हुआ था, आविर्भाव हुआ था ईस्ट बंगाल में, जो कि उस समय विख्यात था खेतुरी ग्राम के नाम से। अभी पता नहीं, बोला जाता है राजस्व नाम का एक वहां पे जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें वो खेतुरी ग्राम है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनकी पिताजी का नाम था कृष्णानंद दत्ता, तो वो दत्ता परिवार से थे। अगर संसारिक भाषा में देखा जाए तो कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उनकी माता का नाम उनकी माता का नाम बोला गया है कि पद्मा देवी था। तो इस तरीके से उनका जन्म हुआ बहुत ही धनी परिवार में। कृष्णानंद दत्ता थे बहुत ही धनी थे, मतलब जमींदार थे, उस वहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे। तो इस तरीके से उनका जन्म हुआ। तो एक लीला आता है उनके बाल्यकाल में, जब अन्नप्रशन का लीला होता है, अन्नप्रशन का जब वो होता है उनका जो ये क्रिया होता है, तो अन्नप्रशन के क्रिया में क्या होता है कि बच्चे के सामने कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स रखा जाता है कि उनको चूज करना है कौन सा उनको चाहिए। तो उनके सामने भी कुछ रखा गया, तो पहले एक पृष्ठ आके, कोई पंडित जी आके, उनके घर के होंगे कोई पंडित जी, उन्होंने उनको कुछ खाने का आइटम दिया, कुछ बहुत ही अच्छा खाने का, तो नहीं खाए, नहीं खाया उन्होंने, सूंघा तक नहीं। उसके बाद एग्जैक्टली वही आइटम, वही सामान फिर से वो लाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, राधा कृष्ण को अर्पित करके, तो वो बहुत अच्छे से वो चाव से खाते हैं। तो सब लोग दंग रह गए कि अरे छोटा सा लड़का है, इसको पूरा पता है कि क्या खाना है नहीं खाना है। मतलब कि उनको भक्तों को वहां पे उनके घर वालों को पता चल गया था कि जो व्यक्ति होगा ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, ये भगवान श्री कृष्ण का ऐसे महान भक्त होगा। तो इस तरीके से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जब बड़े हो रहे थे, तो बड़े होते होते उनकी पढ़ाई भी होती थी। पहले तो गुरुकुल टाइप का सिस्टम था, बच्चे जाते थे अपने मास्टर के घर, जैसे ट्यूशन आजकल लोग पढ़ते हैं वैसे जाते थे और पढ़ के आते थे। तो जो कुछ भी उस समय पढ़ाया जाता था एकेडमिक्स में, सब कुछ तुरंत उन्होंने उस पर हासिल कर लिया था। ज़्यादा कुछ तो पढ़ने को होता नहीं है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है तो क्या करें, लेकिन वो तुरंत सब कुछ पढ़ लिए थे और एकदम हस्तशिल्प हो गए थे उन सभी विद्याओं में। और उसके बाद जितना भी समय बचता था, तो एक उनके घर पे एक उनके जो एक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, वो महाप्रभु के बारे में सारी लीलाओं को जानते थे। उनका नाम था कृष्णदास। तो कृष्णदास नाम के उन एक तरीके से शिक्षा गुरु के रूप में थे। तो वहाँ पे जाके और सुबह शाम दोपहर बैठ के वहीं पे उनसे बस महाप्रभु के बारे में, सारी लीलाओं के बारे में वो सुनते रहते। बस उनका यही सारा जो खुशी का जो स्रोत था, उनके जीवन का जो आनंद का स्रोत था, वो था क्या, वो कृष्णदास जी से वो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनना। तो इस तरीके से बचपन जा रहा था नरोत्तम दास का, नरोत्तम दास ठाकुर का। तो एक दिन की बात है, वो सो रहे थे तो रात में श्री नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आए।
नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु वही है जो जो बलराम है। ब्रजेंद्र नंदन जई सचि सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई। तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु हैं, और जितने भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं सबों के जीवन में नित्यानंद प्रभु का क्या है, उनका योगदान है। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो भले स्वप्न में आए या फिर गुरु के वास्ते आए, गुरु भी नित्यानंद प्रभु के एक मैनिफेस्टेड स्वरूप हैं, जो कि सदगुरु हैं। मतलब वो सदगुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के बहुत फेमस हो गए हैं। एक सदगुरु जो होते हैं, जो कि चार गुरु शिष्य परंपराओं में आते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो नित्यानंद प्रभु के ही वो क्या हुए, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु के जो मतलब बड़े भैया नित्यानंद प्रभु, उनके स्वप्न में आए और उन्होंने बोला नरोत्तम को, नरोत्तम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सूरज उग रहा होगा तुम्हें जाना है और पद्मा नदी में तुम्हें स्नान करना है। वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे लिए, आपके लिए कृष्ण प्रेम रखे हैं पद्मा नदी के अंदर, और वहां से तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो नींद टूटी तो उनको बहुत ही फ्रेश महसूस हुआ कि क्या मजेदार सपने नित्यानंद प्रभु के मुझे इस तरीके का मुझे आज्ञा दी है। और अर्ली मॉर्निंग गए किसी को नहीं बताए हुए और पद्मा नदी में पांव रखे उस दिन नित्यानंद प्रभु के बोलने के बाद। तो जैसे ही पांव रखे वैसे ही तूफान जैसे वेव्स आने चालू हो गए, किसमें, पद्मा नदी में। पानी का बहाव बढ़ गया और उनके हृदय के अंदर में प्रेम की जितनी भी सारी जो सिम्टम्स हैं सब कुछ आने लगे। और क्रंदन होना, पूरा शरीर में कंपन होना, शीतल पसीना निकलना साथ में ही, सब कुछ एक ही साथ हो रहा था। और तभी श्री चैतन्य महाप्रभु का भी वहां पे क्या हुआ, प्रकट हुआ। और श्री चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर को गले लगा ली वहां पे, गले लगा के, और समझिए श्री चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में प्रवेश कर गए। और उसके बाद का नरोत्तम बोलते हैं ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो यमुना में जाके क्या करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वहां के बाद कृष्ण एकदम अलग रूप में वहां पे प्रदर्शित होते हैं, मथुरा में या फिर द्वारका में, हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में। उस तरीके से यहाँ पे श्री नरोत्तम दास ठाकुर उस नदी में स्नान करने के बाद तो उनको लगा कि अब क्या लगेगा, कृष्ण प्रेम, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं उनके हृदय में प्रविष्ट कर चुके हैं। तो एकदम पागलों की तरह वहां पे नृत्य कर रहे हैं, गौरांगा गौरांगा इस तरीके का चित्कार करके और गर्जन कर रहे हैं। और पता नहीं घर क्या है, पता नहीं बहुत देर हो गया आए नहीं नरोत्तम। तो उनके पिताश्री को बहुत ही चिंता हुई, पिता का नाम है कृष्णानंद दत्ता जी, बोले अरे आया नहीं नारू, कहाँ गया अभी तक, सुबह सुबह गया पता नहीं कहाँ गया, अभी तक आया नहीं। तो लोगों को भिजवाए किधर गया, देख के आओ, क्योंकि राजा थे तो बहुत सारे उनके ना संतरीगण और क्या बोले चाकर लोग थे, सबको भिजवाया देखो नरोत्तम किधर गए, नारू किधर गया। तो देखिए कि यहाँ पे तो पागल की तरह इसका शरीर का भी कलर चेंज हो गया है, पूरा पूरा गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हो गया है, महाप्रभु अंदर प्रविष्ट हो गए हैं तो क्या होगा। तो और पागलों की तरह इस तरीके से वो चित्कार कर रहे हैं, लौट रहे हैं। तो देखा तो सही में उनको लगा कि कुछ तो लोचा है इसके साथ, क्योंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो कि इस तरीके के प्रेम में है तब तक उनका दर्शन नहीं होगा, तब तक वो समझ नहीं सकते क्या हो रहा है। तो सब लोग को लगा कि तो हो सकता है कि भूत वूत कुछ पकड़ लिया है इसको। तो उस किसी तरीके से उसको लाया गया और रो रहे थे, बस चिल्ला रहे थे, और इधर उधर के तांत्रिक वांत्रिक भूत वूत भगाने वालों को बुलाया गया कि देखिए इसको नारू को क्या हो गया, नदी में स्नान करने गया क्या, कि वहीं पे जाके कुछ तो हो गया इसको, वहीं पे कुछ शायद हो सकता है ना कि हवा वार कुछ लग गया है। तो हाँ तांत्रिक ने बोला कि हाँ हवा लगा है, बहुत बड़ा हवा लगा है इसको, कुछ घोष्ट है, कुछ तत्व है इसको, इसके माथा में घुस गया है, इसको ठंडा करना पड़ेगा। और एक चीज करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, एक लोमड़ी को पकड़ के मार के उसका मांस को खिलाना पड़ेगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर भले ही वो इस तरीके से मतलब कृष्ण प्रेम में थे, लेकिन वो सुन रहे थे ऐसे मूर्ख बातें उस तांत्रिक का। तो नरोत्तम उसी स्थिति में बोले कि अगर तुम ये सब करोगे तो बहुत बड़ा पाप होगा, अगर ये सब करोगे तो मेरा जो सिम्टम है ना अभी लक्षण और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, ये सब मत करो।
तो फिर रोक दिया गया उसको। तो उसके बाद पूछा गया, जितने बड़े एग्जॉस्टिस्ट आए सब सब बोल नहीं हम नहीं कुछ कर सकते हैं इसका। तो नरोत्तम से स्वयं पूछा गया, नरोत्तम क्या कैसे क्या हो गया तुम्हें बताओ, नरोत्तम कुछ क्या हो गया तुम्हें। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला कि मुझे महापुरुष से मिलना है, अब आप लोग अगर मुझे महापुरुष से मिलने का परमिशन दें तो ये सब कुछ शांत हो जाएगा। यहाँ ठीक है, महापुरुष से मिलने का परमिशन है, तो कैसे मिलोगे? तो वृंदावन जाना है मुझे। ठीक है, वृंदावन जाओगे गार्ड के साथ? तो नहीं, गार्ड के साथ नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से वो उनको पता चल गया कृष्णानंद को कुछ तो लोचा है, वे महाप्रभु का कृष्ण प्रेम वाला लोचा है। तो उन समय पता था पूरे पूरे बंगाल में कृष्ण भक्ति इतनी प्रचारित हो गई थी, कृष्ण प्रेम का मतलब कि ये सब नॉर्मल चीज हो गया था उस समय। तो उनको लग गया कि कुछ तो लोचा है। बोला गया ना कि श्री चैतन्य और बातुल्य किए धोरते पारे, जो कोई भक्त अपने हृदय को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर दे देता है तो उसको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसा ही हो गया था नरोत्तम दास ठाकुर के साथ, और वैसा ही हुआ था श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी। तो ये सब नॉर्मल चीज था उस समय के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे वैसा नॉर्मल फिर से आ रहा है, कृष्ण भक्ति का प्रचार और भी ज्यादा बढ़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चिंता होने लगी। उनके पिताजी को बोले कि एक ही बेटा है मेरा, इतना बड़ा राजपाट है कौन संभालेगा, और ऐसा ऐसा सन्यासी फकीर हो जाएगा तो क्या होगा मेरा। तो उन्होंने सोचा कि जल्दी से इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। उपाय करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी शादी वादी का पूरा सिस्टम रचाया, और जल्दी से उनका सोचा कि क्या करें, इसका शादी कर देते हैं। तो इस तरीके से जब उनकी कीर्ति, कृष्ण प्रेम की कीर्ति चारों तरफ बढ़ रही थी, तो वहां का एक मुस्लिम जागीरदार था, जागीरदार मतलब कि उससे भी थोड़ा बड़ा राजा, तो एक मुल्क का राजा होता है, एक मुल्क के नीचे बहुत बड़े अलग अलग जागीरदार होते हैं, जागीरदार के नीचे जमींदार ऐसे। तो जागीरदार बोले कि हम तुम्हारे बेटे को देखना चाहते हैं, कृष्णानंद दत्ता को बोला। तो कृष्णानंद बोला कि देखना चाहते हैं, ये तो बहुत गड़बड़ है, मैं तो उसको लॉकर में बंद करके रखा हूँ, घर घर को ही उन्होंने जेल बना, नजर बंद कर दिया था कि कहीं जाए ना, जाएगा बाहर मतलब पलाएगा, मतलब भागेगा यहाँ से, कहाँ भागेगा, वृंदावन भागेगा। तो उसको लगभग मतलब कि इस तरीके से उनका प्रेम था अपने बेटे के प्रति कि अपने बेटे को ही वो अपने ही घर में नजर बंद कर दिए थे। लेकिन जागीरदार बोल रहा है कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे बेटे को, तो अब उसको मना भी नहीं कर सकते हैं, ना भी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, पूरा पुलिस कस्टडी में जेड प्लस प्लस का सिक्योरिटी दे के नरोत्तम दास नरोत्तम नारू को बोला कि ठीक है, देखना चाहते तो चलेगा, जाएगा नारू। तो नारू गए आगे, और थोड़ा सा कुछ तो उनको एक जगह पे ऐसा मिला कि यहाँ से वो भाग सकते हैं, तो वहां से वो लापता हो गए, जाते ही रास्ते में ही जागीरदार से मिलने से रास्ते में ही। और वो एकदम नेशनल हाईवे लेके नहीं गए थे, क्योंकि पता था कि नेशनल हाईवे लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, मेरे पिताजी तो बहुत दमदार लोग हैं, इनको पता है कि किधर किधर रूट है, तो एकदम जंगल जंगल होके जा रहे थे। और बहुत दुख हुआ उनका, इतना मतलब कि उनका कोमल शरीर था, लेकिन जंगल जंगल जाते हुए न जाने कितने सारे दुखों को सामना करते हुए, लेकिन दुख उनको उनके हृदय में कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनका जो प्रेम प्रेम का जो वस्तु है वो मिल गया था लगभग, मतलब जिसको पाना चाहते हैं उसके लिए वो पागल थे, जैसे होता है ना कभी कभार जब लोग प्रेम में पागल हो जाता है तो कुछ भी नहीं समझ में आता है उसको, क्या दुख हो रहा है, क्या पीड़ा हो रहा है। संत शायद आप लोगों को लगा होगा प्रेम में पागल, उसको लस्ट में पागल बोलते हैं, कई बार लस्ट में पागल हो जाते हैं। तो वैसा ही नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम में पागल, सही प्रेम यही है, तो प्रेम में पागल होते जो जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन एक जगह पे जाके वो उनके जो पापा जी के द्वारा, जो पापा के द्वारा जो भेजे गए थे, जो गूंस लोग थे मतलब जो जो ये थे उनके बॉडीगार्ड्स थे, वो पकड़ ही लिए उनको। तो पकड़ तो लिए, लेकिन वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला कि देखो यार मुझसे मुझको पकड़ के क्या फायदा, मेरा स्थिति वैसे ही है जैसे कि एक पत्नी का स्थिति एक पति के प्रति, जो कि प्रेम में उसके पागल है और उसकी सेवा करना चाहती है। अब उसको अगर कोई अच्छे से उसको प्रेम करना चाहती है, पति पति को हम पत्नी, तो उसमें कोई अगर कोई नजर उसमें कोई अगर अपना टांग अड़ा है तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। सो आप लोग लौट जाओ, घर लौट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलना है कि नहीं मिला नारू बस ठीक है हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सबको लगा कि यहाँ सही बात बोलना नारू, तो यहाँ तक कि वो जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने कुछ पैसे भी दिए उसको कि हाँ बेटा जाओ वृंदावन जाओ, पैसा वैसा लेके जाओ तो अच्छा से उनको पढ़वा दिया वृंदावन। इस तरीके से वृंदावन पहुंचे और उनकी इच्छा थी, उनको पता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जा चुके हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के जो महान पार्षद भक्त वृंद हैं, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी, और ये सभी कहाँ हैं? वृंदावन में हैं। तो मैं अगर जाऊंगा तो कम से कम उनका तो दर्शन होगा। तो जब वो वृंदावन पहुंच रहे हैं, वृंदावन जाते जाते तो विश्राम घाट के बाद फिर मथुरा पहुंचते हैं, मथुरा में घुसते हैं तो वहां पे एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति से उनका मिलन होता है, और वो सज्जन व्यक्ति उनको घर पे रखते हैं, रात में जगह देते हैं सोने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर को, लेकिन बोलते हैं कि हाँ आप उनसे मिलने जा रहे हैं लेकिन वो सब तो चले गए, नरोत्तम रूप चले गए, सनातन चले गए। और ये सब न्यूज सुन के तो उनके हृदय पे जैसे लगता है कि पत्थर डोल गए, वहीं पे वो पुनः वो जैसे बेहोश पड़ जाते हैं, वो कुछ भी उनका होश नहीं रहता है। तो बेहोशी स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नरोत्तम वृंदावन जाओ तुम कल, और तुम जाके शिला जीव के चरणों पे क्या करो, शरणापत्ति करो, और लोकनाथ गोस्वामी को तुम अपने गुरु के अनुसार उनके शरण में रहो। तो इस तरीके से अगले दिन शिला नरोत्तम दास ठाकुर आगे बढ़ते हैं, वृंदावन में जाते हैं। वृंदावन में जाने ते जाते जाते ही सारा न्यूज फैल जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर तो आने वाले हैं। वृंदावन में बहुत पहले ही बता दिया गया था श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कि मेरा एक महान भक्त नरोत्तम आएगा, ठीक है, और लोकनाथ गोस्वामी तुमको मैं बोल के जाता हूँ, उसको तुम दीक्षा देना, ठीक है। तो ये सब कुछ पता था कि नरोत्तम आने वाला, नरोत्तम आ गया, तो सबको पता चल गया, जीव गोस्वामी पता चल गया नरोत्तम दास ठाकुर आ रहे हैं तो उनके लिए। और एक रात पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को ही बोल चुके हैं कि कल नरोत्तम आएगा। तो उस दिन बहुत अच्छा से पकवान बनाया है नरोत्तम के लिए, राधा विनोद जी जो कि लोकनाथ गोस्वामी के प्रिय डीटी हैं, मतलब विग्रह हैं राधा विनोदी लाल, तो उनको भोग लगाए हैं और रखे हुए हैं। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत ही अच्छे से सुस्वागत जनाया जाता है, जितने भी भक्त होते हैं वहाँ पे बचे हुए महंत और जितने भी श्री जीव गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी और कुछ भक्त होते हैं तो वो वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरीके से श्री नरोत्तम दास ठाकुर का वृंदावन आगमन होता है। वृंदावन पहले से ही होते हैं श्री निवास आचार्य जो कि श्री जीव गोस्वामी के अंडर में वहाँ पे पढ़ते होते हैं। तो इस तरीके से श्रीनिवास आचार्य हुए, श्री जीव गोस्वामी, फिर लोकनाथ गोस्वामी, तो लोकनाथ गोस्वामी, सभी लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गुणगान करते हैं, आप कितने महान हैं, आपके बारे में महापुरुष स्वयं बोल के गए हैं कि नरोत्तम एक दिन आएगा और आप आए हैं, और आपके हृदय में स्वतः ही सबसे पहले से ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दे के रखा है। तो इस तरीके से वो बताते हैं, लेकिन वो फिर से रोने लगते, बोलते हैं कि क्या फायदा मेरे जीवन का, क्या फायदा कि मैं एक कौड़ी का आदमी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास गुरु नहीं है। तो लोकनाथ गोसाई को लगता है क्योंकि दोनों का कनेक्शन पहले से ही है, किसके द्वारा, थर्ड पार्टी, आई मीन श्री चैतन्य महाप्रभु, दोनों को पता है कि किसका किस कौन कहाँ जाएगा। तो लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं कि तुम्हें गुरु बनाने की क्या जरूरत, तुम्हें तो कृष्ण प्रेम पहले से प्राप्त है, गुरु बनाते लोग क्यों कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की, तुम्हें कृष्ण प्रेम। तो फिर बोलने लगते हैं कि नहीं, कृष्ण प्रेम भले ही प्राप्त हो या फिर नहीं हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, जब तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे बोला है कि लोकनाथ गोस्वामी को आपको गुरु के रूप में स्वीकार करें। तो लोकनाथ गोस्वामी बोला कि हाँ वैसे ही बोल दिया, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं कभी भी शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा, इस तरीके से उन्होंने बताया। तो ऐसा चला पूरे एक साल, एक साल श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करते रहे, ऐसी ऐसी सेवा करते रहे जैसे कि बहुत ही मिनियल सर्विसेज, तो उनकी सेवा। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने, लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को शिष्य के रूप में अपनाया था, नहीं अपनाया था, फिर भी वो उनके क्लास में जाते, उनसे सुनते, उसके बाद उनके जितने भी मीनियल सर्विसेज करते जैसे कि उनका जो भी पठन पाठन होता उसमें सहायता करते, खाना बनाना हुआ, भगवान की सेवा करना हुआ, झाड़ू लगाना हुआ, और यहाँ तक कि पहले जब भक्त होते थे कहीं पे भी लैटरिन का सिस्टम नहीं था, आई मीन
अभी जो कॉमोड वाला बाथरूम है वैसा सिस्टम नहीं था, पहले लोग खेतों में ही जाते थे वेट लूज करने के लिए। तो लोकनाथ गोस्वामी जब वेट लूज करने के लिए जाते थे सुबह में, तो अगले दिन जब वो जाते थे वहां पे देखते थे कि अरे यहाँ पे तो पूरा साफ है जैसा का तैसा है, कभी गंदगी कहीं देखा ही नहीं। तो इस तरीके से देखिए कौन करता है ऐसा, हमेशा साफ रहता है। तो एक दिन वो झाड़ी में छुप के देखे कि कौन है, तो पता चला कि ये नरोत्तम है। मतलब कि उनकी इस तरीके की गुरु की भक्ति, गुरु भक्ति देख के वो पिघल गए। और उन्होंने ठान के रखा था कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा। उसी रात श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं सपने, बोलते हैं कि लोकनाथ तुम कैसा है, छद्म विनम्रता तुम दर्शा रहे हो, तुम क्यों बोल के रखा हो ना नरोत्तम को दीक्षा देना है, दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हो, कल सुबह उठ के दीक्षा दोगे, ठीक है। तो लोकनाथ गोस्वामी को पूरा शौक लगता है कि हाँ महापुरुष स्वयं आ रहे हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो अगले दिन इस तरीके से खुश होकर, इस नरोत्तम दास पूर्ण रूप से खुश होकर वो उनको क्या देते हैं, दीक्षा देते हैं। तो इस तरीके से जीव गोस्वामी के अंडर में वो सारे वैदिक, सारे जितने वैष्णव शास्त्र हैं उनको सीखते हैं। और उसके बाद सारी किताबों का वहां पर रचना होता है, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, उपदेशामृत, सारी किताबें हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें हमें दी हैं, श्रील रूप गोस्वामी की, श्रील सनातन गोस्वामी की, उसका रचना होते होती है। और उसमें श्रील नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, श्रील जीव गोस्वामी का वहाँ पे उनका असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी, श्रील नरोत्तम दास, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील श्रीनिवास आचार्य और श्री श्यामानंद पंडित, ये तीन की तिगड़ी होती है। ये तीन वहीं पे जीव गोस्वामी के अंदर में वहाँ पे क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो तीनों के शिक्षा गुरु होते हैं एक, लेकिन दीक्षा गुरु अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से तीनों का शिक्षा होता है। उसके बाद जब किताबों की रचना हो जाती है तो श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं अब आप लोगों को प्रचार करने जाना है किताबों का। जैसे आजकल श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग प्रभुपाद जी की जितनी सारी किताबें हैं उनको कहाँ पे बांटते हैं, भक्तों को बांटते हैं, किताबें बनी हुई पब्लिश हो गई हैं तो उसको बांटते हैं। और ये तीनों जन थे पहले हरिनाम संकीर्तन के लीडर। हरिनाम संकीर्तन के नगर जो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से गोस्वामियों का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चेतन महाप्रभु का जो शिक्षा है उसको जो अंग फिर से राइट डाउन किया गया, सारे प्रिंसिपल को गोस्वामी के द्वारा उनकी किताबों को वो लेके गए थे पहली बार। और उस समय जैसे हम लोग रिपोर्ट देते हैं ना कि आज 4 महाबिग बुक हुआ, 3 बिग बुक हुआ, 2 स्मॉल बुक हुआ, उसी तरीके से वो भी रिपोर्ट देते थे। वो रिपोर्ट अभी भी है, डॉक्यूमेंटेड है, आर्काइव्ड है। और उसमें नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि इतना कम हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, पता नहीं क्या होगा, ऐसे कैसे होगा कृष्ण प्रेम का प्रचार, वो कब दिन आएगा जब अनलिमिटेड अनलिमिटेड बुक प्रिंट होगा। अभी तो एक किताब को दूसरा किताब बनाने के लिए लिखना पड़ता है, लिख लिख के पूरा 2 महीने लग जाता है किताब में, दूसरा किताब में। जो फास्ट करें तो भागवतम के अगर लिखना चाहे तो फिर तो भूल जाइए, एक बार पूरा पूरा भागवतम पढ़ने के लिए मुझे स्वयं 3 साल लगे, लिखने जाए तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। तो समझ जाइए उस समय कितना मुश्किल था। लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद जी की किताब की कृपा से और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कृपा से अभी जिधर चाहे जिधर फोन करे उधर भागवतम सेट मिल जाता है, और हम लोग आराम से रखे रहते हैं, कभी खोलते भी नहीं, कभी कभार बुक शेल्फ में रखा रहता है। तो अभी जो हमारे पास सब जो अभी ये जो अपॉर्चुनिटीज है, जो मतलब ये जो कृपा है, इसको हम लोग इतना ज्यादा मिला है कि हम लोग उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन पहले एक किताब को डुप्लीकेट करने के लिए सालों लग जाते थे, श्रीमद् भागवतम को, श्री चैतन्य चरितामृत को। तो इस तरीके से वो जो स्वप्न था नरोत्तम दास ठाकुर का वो अभी साकार हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों के द्वारा। कृष्ण प्रेम की जो बाढ़ है उसको फैलाने का श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता ऐसे ग्रंथों के वितरण के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से ये तीनों निकलते हैं फिर से बंगाल में प्रचार करने के लिए, किताब को लेकर किताब लाते हैं। यहाँ पे बंगाल के एक महान राजा होते हैं, यही विष्णुपुर के पास। राजा ऐसा था कि पूरा डकैत था, वो क्या किया, वो पूरा का पूरा किताब को वहां पे लुटवा दिया, वो चुरा लिया, चुरा के रख लिया अपने साथ वहां पे। फिर ये जो श्रीनिवास आचार्य होते हैं, श्रीनिवास आचार्य को वहां पे रुकना पड़ता है किताब को फिर से खोजने के लिए। और फिर ये नरोत्तम दास ठाकुर चल जाते हैं अपने घर वहां पे प्रचार करने के लिए। उनका घर कहाँ था, खेतुरी ग्राम। खेतुरी ग्राम में जाके वहां पे फिर से प्रचार चालू करते हैं, कृष्ण प्रेम का जो पन्ना उनके हृदय में है उसको विस्फोट करने के लिए फिर से जाते हैं। स्पेसिफिकली नरोत्तम दास ठाकुर अपनी मधुर कीर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, संकीर्तन के लिए। तो इस तरीके से वो खेतुरी ग्राम में जाते हैं और बहुत ही पावरफुल प्रचार करते हैं, बहुत ही पावरफुल प्रचार।
उनका ऐसा प्रचार था कि यहाँ तक कि एक हाथी भी उनका शिष्य था, वो भी हरिनाम करता था। बड़े बड़े जो कि वैसे अगर कास्ट की स्थिति से देखा जाए तो वो एक कायस्थ परिवार से थे, लेकिन बड़े बड़े ब्राह्मण परिवार से आए हुए व्यक्ति भी उनके शिष्य थे। इस तरीके से पूरा का पूरा जो समाज था उस समय इस तरीके ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहा था कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही दीक्षा दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो कि कृष्ण का भक्त है, कृष्ण की विद्या में निपुण है, वो भी दीक्षा दे सकता है। तो इसका जो पूरा का जो एस्टैब्लिशमेंट है श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया ही, लेकिन रतनदास ठाकुर ने इसको आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से पहली जो गौर मंडल पूर्णिमा होती है, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, जैसे हम लोग हर साल मनाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सिद्ध मायापुर में, तो पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया गया था खेतुरी ग्राम में श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। और ये मतलब कि ये जो फेस्टिवल था ये माइलस्टोन कहा जाता है गौड़िया वैष्णविज्म के इतिहास में, माइलस्टोन। और उस फेस्टिवल में जितने भी सारे भक्त थे जो कि बचे हुए थे, जब चैतन्य महापुरुष चले गए तो जल्दी जल्दी ही सारे भक्त लोग जा रहे थे, क्योंकि लीडर चला गया है, सब गोलोक लीडर चला गया गोलोक, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, उनके भगवान के विरह में लोग रो रहे शरीर छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग थे उस समय। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने मीटिंग बुलाया, उस समय नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है जो कि लक्ष्मी है, श्री जानवा देवी, वो भी थी, तो सबको बुला के मीटिंग कराया गया और बुलावा भेजा गया कि सब लोग पूरा ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सब जगह से चैतन्य महाप्रभु जितने सारे भक्त हैं वो आएंगे ईस्ट बंगाल खेतुरी ग्राम में, वहाँ पे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होगा, पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। और गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का जो वृतांत है बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इतने भक्त आए थे उनके सबों का प्रसाद, उनका सबों के एकोमोडेशन का व्यवस्था किया गया था। और वहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो विग्रह उसको भी लाया गया था, अभिषेक हुआ है ना, उसके बाद फिर कीर्तन स्टार्ट हुआ, तो कीर्तन लीड किया जा रहा था श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। और कीर्तन ऐसा था कि सब लोग जैसे एक अमृत की धारा में ऐसे लोतपोत हो रहे हैं, सब कीर्तन में सब घुस गए हैं संकीर्तन में, इसको कहते हैं हरिनाम संकीर्तन। और ऐसा कीर्तन डीप चला गया कि जो थे वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद तो थे ही, और जो चले गए थे सभी वहां पे प्रस्तुत हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, सभी जो कि चले गए हैं, कुछ मतलब कि फिजिकल जो प्रेजेंस है उसमें नहीं है, सभी उस संकीर्तन में आ गए हैं और सब लोग देख पा रहे हैं। तो ये था पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, और वो था पहला मतलब गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में जो कीर्तन था वो बहुत ही फेमस है अभी भी। और फिर से उसको उसका रीयूनियन, ट्रांसेंडेंटल रीयूनियन, उसमें जितने भी पहले चले गए हैं अब जो कुछ बचे हैं सबों का रीयूनियन होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हरिनाम संकीर्तन जहाँ पे होता है वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ वहां पे 100% विद्यमान है, उसमें कोई शक नहीं, बस हम लोग देख नहीं सकते। उन लोग देख पा रहे थे क्योंकि वो तो स्वयं पार्षद थे, इसलिए वो देख पा रहे थे, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि महाप्रभु नहीं है, अभी जितना भी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा है सब महाप्रभु की ही शक्ति के कारण हो रहा है। तो इस तरीके से वहां पे ये जो हरिनाम संकीर्तन चला, और फिर से जब धीरे धीरे शांत हुआ हरिनाम संकीर्तन, घंटों चल रहे थे हरिनाम संकीर्तन, बड़े बड़े मिरेकल्स वहां पे देखे जा रहे थे। और उसके धीरे धीरे शांत हुआ, फिर महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जो नहीं अभी थे मतलब फिजिकली, उनके साथ फिर से वहां से विलुप्त हुए। तो ऐसा था भक्ति श्री नरोत्तम दास ठाकुर का, कृष्ण प्रेम का जो फ्लड है उसको प्रसारित करने के लिए वो यहाँ पे प्रकट किए थे। तो इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर की लीलाएं हुई, फ्लड कर दिया उन्होंने पूरे बंगाल को, ईस्ट बंगाल पूरा का पूरा फ्लड हो चुका था। तो एक दिन सोच रहे थे कि अब मुझे महाप्रभु का जो उनके साथ जो विरह है उसको फिर से अभी सहन नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए क्या उन्होंने सोचा कि मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। तो इससे पहले मैं एक छोटी सी लीला बताऊंगा। जब श्री राजीव गोस्वामी के साथ वो नरोत्तम दास ठाकुर मिले थे, तो वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर को वही उन्होंने श्री राजीव गोस्वामी ने बहुत ही उनकी प्रशंसा की थी, बोला कि अभी देखो तुम्हारा हाथ जो है ना, तुम्हारा हाथ जला हुआ, कैसे हाथ जला हुआ बताओ। तो
फिर पूछा गया कैसे हाथ धुलो, तो छुपा रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर, छुपा रहे थे अपने हाथ को, अपनी उंगली को। तो उसमें क्या हुआ कि बाद में बताना ही पड़ा उन्हें, ये क्या हुआ था कि वो श्री राधा कृष्ण के लिए दूध गर्म करना उनका गोलक वृंदावन का नित्य सेवा है, तो मेडिटेशन में दूध ही गर्म कर रहे थे। तो दूध गर्म करते करते, दूध गर्म करने के बाद ठंडा करना पड़ता है, तो ठंडा हुआ नहीं था और हाथ डाल दिया देखने के लिए कि ठंडा है कि गर्म है, तो गर्म ही था, तो हाथ से उनको जल गया था। तो ऐसा लीला आता है। तो एक बार क्या है कि नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि हम भी यहाँ से चलते हैं, हमारी जो सेवा थी वो तो हो गई है। तो वो फिर उसी पद्मा नदी में जाते हैं और पद्मा नदी में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद वो अपने शरीर को वो मलने लगते हैं। तो उनकी इच्छा है कि फिर से महाप्रभु के पास चले जाने का। तो इनकी जो प्रकट लीला बहुत ही अद्भुत है, और इनकी अप्रकट लीला भी बहुत अद्भुत है। कैसी है? जब वो पद्मा नदी के जो पानी है उससे अपने शरीर को मलने लगते हैं, तो शरीर से क्या निकलता है? ऐसे यूजुअली हम लोग के शरीर से मल निकलता है, लेकिन उनके शरीर से दूध निकल रहा था, और दूध निकलने लगा, और देख रहे हैं कि उनका दूध, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर का जो तिरुभाव है वो इस तरीके से अद्भुत तरीके से होता है। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, आज हम लोग को ट्राई करना चाहिए, जहाँ कहीं भी हैं हरिनाम संकीर्तन करें और श्री नरोत्तम दास ठाकुर से प्रार्थना करें कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा हमारे ऊपर हो। आज बहुत ही शुभ दिन है, और जिससे कि हम भी श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा के पात्र हो पाए। ऐसे तो हमारी कोई गति नहीं है, हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, और उस कलयुग में भी जितना जितना भी कलयुग बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता जा रहा है, बहुत तरीके के बहुत पुत्रियों का मन में विषाद और शंका आते ही रहता है। तो फिर भी जिस किसी भी स्थिति में हो, हमें शरण लेना बहुत जरूरी है श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की, तभी हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जो असली कृपा है या फिर जो वास्तविक कृपा है श्री चैतन्य महाप्रभु के, उसके पात्र हो सकते हैं। तो हम लोग 8:30 बजे के करीब शायद कीर्तन भी करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं फेसबुक पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इफ यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन कॉमेंट क्वेश्चन चेस्टाइजमेंट एनीथिंग यू कैन जस्ट गो अहेड, यू कैन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ and you can speak.